यूपी इज अ स्टेट लोग कहते हैं, मैंने तो चेक नहीं करा, लेकिन लॉट ऑफ पीपल से दैट इफ यूपी वाज अ कंट्री इट वुड बी द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, फिफ्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इट्स मैसिव. यूपी हैज अ पॉपुलेशन मोर देन पाकिस्तान सर, इतना बड़ा है. ये कैसे पॉसिबल है सर कि यूपी पुलिस, आप देखिए सर, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ ईस्टर्न यूपी है सर बलिया, एक तरफ ये वेस्टर्न यूपी है, एक तरफ वो कानपुर इलाहाबाद लखनऊ को बैठे. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज आई ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज इफ इट वाज इफ यूपी वाज अ कंट्री इट वुड बी द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ये पूरी कॉम्प्लेक्स लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी ये चलती कैसे? आई नो सर दिस इज अ क्वेश्चन दैट इट माइट टेक 5 आवर्स टू आंसर दिस, बिकॉज दिस इज नॉट अ यस एंड नो क्वेश्चन, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बट अगर आप 2-3 मिनट में हमें बताएं सर ये चलता कैसे, स्ट्रक्चर क्या है यूपी पुलिस का, ये चलाते कैसे हैं? 22 करोड़ 23 करोड़ पता नहीं कितने लोग हैं, 25 करोड़ लोगों का लॉ एंड ऑर्डर देखना सर. मैं तो आई कैनॉट इमेजिन एट द स्टेट लेवल सर. यू नो द डीएम यूज टू बी एलवाई सुहास, वो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी गोल्ड मेडलिस्ट मेडल मिला है उसको बैडमिंटन में. यस सर जी. सो आई वाज सिटिंग विद हिम एंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी, एंड ड्यूरिंग वन ऑफ माय इंटरेक्शंस विद हिम आई जस्ट आस्क्ड हिम कि मैंने बोला सुहास जी आप करते कैसे हैं, नो ही इज अ वेरी हंबल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ज्यादा कुछ बोलते बोलते नहीं है, बट सर गौतम बुद्ध नगर की खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इट बिकम सो यू नो कियोटिक एट टाइम्स, देयर आर पीपल, एंड ये फिर भी शहर वाला एरिया सर, दिल्ली के बगल में है, आप दिल्ली से नोएडा में जाएं आपको नहीं पता लगता आप दिल्ली में है कि नोएडा में, बिकॉज इट इज द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेम एवरीथिंग, इट लुक्स लाइक दिल्ली, इट फील्स लाइक दिल्ली. बट आप चले जाइए सर सुल्तानपुर, आप चले जाइए मिर्जापुर, आप चले जाइए वाराणसी, या आप चले जाइए गोरखपुर ईस्टर्न यूपी, या फिर आप बुंदेलखंड साइड में चले जाइए सर, कैसे यूपी पुलिस मैनेज करती है, स्ट्रक्चर क्या बनाया है सर? मैं आपके सवालों को कितनी जबरदस्त पकड़ है आपकी लॉ एंड ऑर्डर पे. ये सही है कि उत्तर प्रदेश अगर देश होता तो संसार का 5वां सबसे बड़ा देश होता, 25 करोड़, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी विश्व की सबसे बड़ी पुलिस बल है, 3.5 लाख प्लस है, तो सिविल पुलिस में इससे बड़ी पुलिस फोर्स कोई भी नहीं है, इतनी पुरानी भी कोई नहीं है, 1861 से. हम लोग यूपी पुलिस को कहते हैं कि साहब ये एम्बेसडर गाड़ी की तरह है, ये चलेगी धीमे धीमे लेकिन पहुंचा देगी आपको, आपको कभी धोखा नहीं देगी कि सर आज ये फेल हो गया, वो हो गया, आईसी जल गया और आज ये चिप खराब हो गई, ये पहुंचा जरूर देगी. आज तक महाकुंभ हो कुछ भी हो, अलकायदा को भी निपटा दिया आपने, सहारनपुर में वो हुआ था, मैं जब DIG मेरठ था तो सैयद मोहम्मद उमर शेख जो 4 ब्रिटिश नागरिक और 2 मिनट को ला के बंधक बनाया था, ध्रुवलाल इंस्पेक्टर और 2 सिपाही मारे गए थे, शहीद हुए थे, लेकिन ये पकड़े भी गए थे. ये बात दूसरी कि कंधार हाईजैकिंग जो कि आज नाम है, उस हाईजैकिंग के बदले में सैयद मोहम्मद उमर जो नंबर 2 अलकायदा का था उसको यूपी पुलिस ने ही पकड़ा था. इसी तरह जो जितने भी तुर्रम खां हैं वो आए पकड़ा यूपी पुलिस ने, क्योंकि बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये बहुत ही सेल्फ एफेसिंग और लोग की पे काम करते हैं. लेकिन इनकी जो सिस्टम्स है इंटेलिजेंस के हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि देवा कोई मिस्टर हैरिसन थे DGP का, यू शुड बी लाइक अ स्पाइडर एंड अ स्पाइडर्स वेब, एनीथिंग दैट हैपेंस इन द वेब कैन नॉट गो अननोटिस बिकॉज द स्पाइडर हैज अ नेटवर्क इन हिज वेब दैट इट विल कम टू हिज नोटिस एट द मोमेंट इन रियल टाइम. और वो यूपी पुलिस की सलाहियत है कि रियल टाइम उसको मालूम पड़ जाता है. आज अलकायदा वाला इसीलिए थम गया, सहारनपुर में कहा कि कुछ लोग भैंस की चेन से बंधे पड़े हुए हैं, भैंस की चेन से बंधे पड़े, बस इतना काफी था, यूपी चेन से भाई कुछ गोरे लोग बंधे इतना काफी था, और जाकर के वो निपटा दिए गए. इसी तरीके से अब आपकी बातों में आपने सही कहा, 5-6 घंटे लगाए, लेकिन आपको एक लाइन में समझा देता है, ये न कसीदों से चलती है और न चलती है दोहे से, ये है इंतजामिया यूपी पुलिस की, ये चलती है लोहे से. वाह सर. बहुत ही शानदार सर.